भ्रष्टाचार में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ईडी को नए नए राज पता चल रहे हैं। जांच की कड़ी में नए नए चेहरे भी जुड़ते जा रहे हैं। इन चेहरों के जुड़ने से नए खुलासा भी हो रहे हैं। अब खबर आ रही है कि ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कभी करीबी रहे रवि केजरीवाल को तलब किया है। रवि केजरीवाल ईडी कार्यालय पहुँच गए हैं। अब इनसे पूछताछ में क्या नया खुलासा होता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। इनका भ्रष्ट आईएएस पूजा सिंघल से क्या कनेक्शन है, इस पर से पर्दा हटेगा। ईडी कार्यालय पहुंचे रवि केजरीवाल ने मीडिया से अब तक कोई बात नहीं की है। रविवार को वह दोपहर बाद ईडी कार्यालय पहुंचे। मालूम हो कि रवि केजरीवाल सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। 2 वर्ष पहले झामुमो ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया था। रवि केजरीवाल के खिलाफ झामुमो विधायक रामदास सोरेन ने कुछ महीने पहले ही थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। झामुमो विधायक का आरोप था कि रवि केजरीवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। बहरहाल रवि केजरीवाल से ईडी की पूछताछ शुरू होने के बाद झारखंड की राजनीति और गर्मा सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी दल भाजपा रवि केजरीवाल और हेमंत सोरेन के संबंधों का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।